आज देश और दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। जी हाँ, ज़्यादातर लोग अपने मोटापे को लेकर चिंतित है और अपना मोटापा कम करना चाहते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हद से ज़्यादा पतले हैं या फिर खुद ब खुद उनका वज़न गिरता जा रहा है और वो अपने वज़न गिरने से परेशान हैं। हो सकता है शुरुआती स्तर में आपको अपना वज़न कम होता नज़र आए और आप पतले हो रहे हो तो आपको खुशी हो, पर अगर बिना कुछ किए, बिना कुछ एक्सरसाइज किए, बिना कुछ मेहनत किए या बिना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ किए आपका वज़न तेज़ी से कम होता जा रहा हो तो ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि एक खतरे की घंटी है। जी हाँ, तेज़ी से गिरता हुआ वज़न बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आखिर अगर आप खुद ब खुद पतले होते जा रहे हैं बिना किसी कुछ मेहनत किए तो आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये खुशी की बात है या चिंता की। मेरे साथ तो भाई चिंता की बात है, फिर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे आखिर इसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों होता है अचानक से वज़न कम। अगर आप अपने खुद ब खुद गिरते वज़न से परेशान हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि खुद ब खुद वज़न गिरना बहुत सारी बीमारियों का संदेश है, जैसे कि कैंसर या डायबिटीज़ आदि में भी अपने आप वज़न तेज़ी से गिरता है। साथ ही साथ थायराइड में भी ऐसा होता है, लेकिन सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चिंता के दौर से गुजर रहे हैं, यानी तनाव के दौर से, डिप्रेशन है तो भी ऐसा होता है, इसलिए आपको खुद ब खुद विचार करना ज़रूरी है कि क्या आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ और कारण है। कई बार ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का स्तर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारा वज़न एकाएक बढ़ जाता है, यानी कि हमें थायराइड की समस्या होती है। इसके ऊपर में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि किस थायराइड में वज़न कम होता है और किस थायराइड में वज़न बढ़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि थायराइड में सिर्फ वज़न बढ़ता है, बल्कि किसी किसी के थायराइड में वज़न कम होने की बीमारी भी होती है। तो अगर इस तरह के आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप सतर्क हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। टीबी और लीवर की समस्या, जी हाँ, अगर आपको टीबी या लीवर की समस्या हो तभी वज़न तेज़ी से कम होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे जो बॉडी के ब्लड होता है सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, इसलिए हमारा पाचन तंत्र भी सही से वर्क नहीं करता। इन दोनों कंडीशन में भी हमारा वज़न तेज़ी से गिरता है। या फिर आपका अस्थमा हो या फेफड़ों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें भी वज़न बहुत ही तेज़ी से गिरता है। तो अगर इस तरह के आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि वज़न तेज़ी से गिर रहा हो पर आपके पास कोई भी कारण ना हो, ना तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना तो आप डाइट कर रहे हो, फिर भी वज़न बहुत ही तेज़ी से कम कर हो रहा हो, तो सावधान हो जाइए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थायराइड का। जी हाँ, वैसे तो डायबिटीज़ भी है, पर डायबिटीज़ में और भी लक्षण होते हैं, पर थायराइड के अगर सबसे पहले निशानी बोला जाए तो है वज़न बढ़ना और वज़न कम हो। यानी आपको बिना किसी के रीजन के इस तरह का कोई भी लक्षण नज़र आ रहे हो बॉडी में अपने, तो भाई खुशी मत मनाइए, बल्कि जाके चेकअप कराइए। और इसका एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपका भोजन का ना पचना, यानी कि आपकी बॉडी में अगर खाना ना पच रहा हो तो भी आपके बॉडी में लगता नहीं है, अंदर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, खून की सप्लाई सही नहीं हो, बॉडी में पाचन तंत्र मजबूत ना हो, कब्ज की समस्या हो, तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। वज़न का तेज़ी से बढ़ जाना, वज़न का तेज़ी से कम होना, ये दोनों इस कंडीशन में भी होता है जब पाचन तंत्र सही से वर्क ना कर रहा हो, यानी जो खाना है वो बर्न में नहीं लगता, तो वज़न बढ़ता भी है याद रखिए, और वज़न घटता भी है। तो दोनों में कुछ भी हो तो आपको सबसे ज़रूरी है अपनी दिनचर्या को देखना है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी उठते साथ खाने के बाद, तो सही है या नहीं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या फिर किसी भी तरीका से आपकी बॉडी के साथ वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉडी में आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये चीज़ को ज़रूर देखें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें।